I dream of a digital India where government services are easily and efficiently available to citizens on mobile devices. भारत के भविष्य को बदलने का एक खाका खींचा है। डिजिटल इंडिया का मकसद ही था सरकारी सेवाओं को जनता को मुहैया करवाना, और आज भारत के लगभग 1.5 लाख पंचायतों में फैले कॉमन सर्विस सेंटर इसे बखूबी निभा रहे हैं। साल 2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया के इस उद्देश्य को पूरा करते हैं ये VLEs, जो न सिर्फ अपने जीवन में बदलाव कर पाए हैं बल्कि समाज को भी सशक्तिकरण का एहसास दे रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कॉमन सर्विस सेंटर जो महिलाएं चला रही हैं VLE, उनका एक बहुत बड़ा आयोजन आज किया गया है। डिजिटल क्रांति में इस देश की नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, और नारी शक्ति का सदुपयोग कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हो, ये डिजिटल इंडिया को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही सार्थक कदम है। क्या है? राजेंद्र चौधरी। उम्र क्या है? 32। मेरा शादी 2012 में हुआ, तो मैं यहाँ पे आई तो मेरा पढ़ाई छूट गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए अपना। तो मेरा ससुर जी बोले कि तुम पढ़ी लिखी हो तो कुछ काम करो, कुछ घर का इनकम भी आ जाएगा। पता लगा कि डिजिटल इंडिया सशक्त अभियान के द्वारा कंप्यूटर फ्री पढ़ाई हो रहा है, तो मेरा नाम वहाँ लिखवा दिए। जब मैं ये कंप्यूटर का ये जो सुनी मैं सरकार का ये जो खुला, तो मैंने नाम लिखवाया पहले, उसके बाद में मैं पढ़ी, उसके बाद मुझे जब आने लगा अच्छा लगा तो फिर मैं सोचा कि चलो आगे लोगों को भी बताऊं। मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूं, अभी मैं आधार कार्ड बना रही हूं। गांव वालों को गांव की बहू का ये काम भा रहा है। CSC जो कंपनी जो बन के आई है हमारे एटरा पंचायत में, वह हमारे गांव घर की बहू लगती है। महादलित लोग बहुत सारे फायदा उठा रहे हैं। स्नेहलता कभी बानसूर की 40,000 की आबादी में महज एक और चेहरा थी। जो मेरे पति थे वो बेरोजगार थे, मेरे ससुर हैं वो बाहर कैंटीन में काम करते थे, और जो मेरे देवर हैं वो भी मतलब बेरोजगार थे। आज मेरा पूरा परिवार CSC में काम कर रहा है। स्नेहलता के कॉमन सर्विस सेंटर में दी जाने वाली टेली मेडिसिन सेवा गांव वालों की सेहत से जुड़े मामलों के लिए पहले पड़ाव की तरह है। लोग दूसरी तरह की सेवाओं का भी लाभ ले रहे हैं। यह है दार्जिलिंग जिले का पहला कॉमन सर्विस सेंटर। कविता गुहारोए एक समय पत्रकारिता करती थी, आज टेलीमेडिसिन कैंप चलाती हैं, लोगों के पासपोर्ट, राशन कार्ड, बीमा वगैरह जैसी समस्याओं का निपटारा करती हैं। साथ ही 4 ऐसे सेवा केंद्र भी चलाती हैं। यही नहीं, लाखों करोड़ों में खेलने वाले ठेकेदारों को ई टेंडरिंग और ई ऑक्शन में मदद करने के लिए सरकार ने चुना है इन्हें। हम लोग के पास उनको डिजिटल सिग्नेचर दे देते हैं, उनको जो रेट है दे देते हैं। बहुत सारे टेंडर में जैसे कि है अर्नेस्ट मनी ऑनलाइन हो गया, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा से अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ेगा टेंडर का और टेंडर फी, तो वो लोग को वो भी चलाने नहीं देता। हम लोग बोलते हैं अपने हाथ से पिन डालो, वो लोग वो नहीं कर पाते, इतना फेथ का साथ हम लोग को दे देते हैं। इन ऑल रिस्पेक्ट इकोनॉमिकली ऑल्सो नाम बेनिफिटेड, पहले का फिक्स सैलरी था, अभी तो इनकम स्काई इज द लिमिट, अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। जब दोस्त नौकरी की तलाश में लगे थे, बनीशा ने कंप्यूटर से दोस्ती कर ली और फिर खुला ये सेंटर। कपड़ा यारा बेकी ब्रियो कदे का बांग आकाउ है नमर की डन की बा डन कम कर की कुम तो ये का पिसारु बा कुम की बाले स्कॉलरशिप की ए के ते कला यारा पे ने की ब्रियो कुम जो रु एक नी की बाले कंप्यूटर क्लास ते मता किला दगा जिंग डन जो कानी ते कला यारा बेकी बकिन बकिन ला कुम नो बन यूज कंप्यूटर। ये मेहनत रंग ला रही है। महाराष्ट्र के पुणे में मेघालय से सैकड़ों किलोमीटर दूर उज्ज्वला सावंत ने अपने करियर को चंद सालों पहले एक नया मोड़ दिया। उज्ज्वला सावंत ने जो पहले कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी थी CSE की शुरुआत की।
आज इनका सेंटर एक छोटे मोटे बैंक जैसा दिखता है, जिसमें न सिर्फ ये खुद लगी हैं बल्कि इनकी बेटी भी इससे जुड़ गई है और इन्होंने अपने साथ दूसरी औरतों को भी जोड़ा है। इसलिए मैं ज़्यादा लेडीज को यहाँ जॉब देने में इंटरेस्टेड हूँ। जो चार पैसे उन्होंने कमाए उससे वो ले सकती है और उसकी खुशी उसको मिल सकती है। इनका केंद्र राज्य सरकार द्वारा आधार के परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर के तौर पर अधिकृत है। खुद अपने लिए नई राह तलाशने वाली महिलाओं की कहानियां और तस्वीरें शायद मैगजीन के पन्नों और टेलीविजन स्क्रीन की रौनक ना बनी हो, लेकिन ये साफ करती हैं कि डिजिटल इंडिया भारत में सफलता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वयं इस योगदान की सराहना की है, तनुजा रायचूरिया को अवार्ड देकर। प्रधानमंत्री अवार्ड मिला तो बहुत ज्यादा गर्व का एहसास हुआ हमें। सरपंच तो बाद में हुई हूँ, वीएलई बनने के बाद ही मतलब उससे अनुभव हो गया और लोगों से बात करने का, उसी के जरिए मैं सरपंच का चुनाव भी लड़ी। वीएलई में आके अच्छा लग रहा है कि मेरे से जितना हो सकेगा मैं गांव के लिए करना चाहूँगी, अपने घर के लिए भी करना चाहूँगी। I've been working as a VLE since 2012. I feel like I'm being honored because this is the only way I can earn my livelihood. मैं नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि उन्होंने सबसे बड़ी बात महिलाओं को वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए कि इससे महिलाओं का स्तर ऊंचा उठेगा और वो आगे बढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया को एक बड़ी क्रांति बनाने में इस देश की महिलाएं, इस देश की बहनें सक्रिय होकर वीएलई के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर के पूरे आंदोलन को मजबूत करें। सीएससी में जो जाता है उसको लग जाता है पढ़ाई पे ध्यान, सीएससी है मेरी पहचान। सीएससी अमर एकमात्र परिचय। सीएससी के देखो ब्लॉपन एम शिशायेगा। सीएससी मेरी पहचान। अतः इस आंदोलन के माध्यम से हम देश को बदलने की क्षमता रखते हैं।